हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सेडल। मैसेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा मीट्रिक स्पेस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है आज। इसका नाम है टॉपोलॉजी ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, काफ़ी न्यू टर्मिनोलॉजी आप सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ओपन बॉल और क्लोज्ड बॉल की क्या डेफिनेशन होती है, और मीट्रिक स्पेस में उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो लेट अस कम बेटा। देखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। देखो, एक तो इस चैप्टर को जब भी पढ़ना हो ना, तो पहले हमेशा रियल लाइन के ऊपर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कॉन्सेप्ट्स, उसको रिकॉल किया करो, फिर उससे इसको रिलेट करना। जैसे ओपन बॉल को ना आप ओपन इंटरवल की डेफिनेशन से रिलेट करो, ठीक है? ओपन इंटरवल की डेफिनेशन से रिलेट कीजिए अगर आप ओपन बॉल सीखना चाहते हैं तो। जैसे मैं पहले आपको डेफिनेशन बता दूँ और फिर इसको रिलेट करना भी सिखा दूँ। देखो, मुझे मीट्रिक स्पेस की बात करनी है, तो जैसे मेरे पास रियल लाइन होती थी, ऐसे ही मैंने एक्स टी को एक मीट्रिक स्पेस ले लिया आपकी परी, ठीक है? अब मीट्रिक स्पेस का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है? तो लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस, देन द सेट एस एक्स नॉट आर। देखो, एक तो ओपन बॉल को ना ओपन स्फीयर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो एस से समझ लो स्फीयर है, ठीक है? एक्स नॉट क्या होगा? अब स्फीयर है तो कोई सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगी। तो दिस एक्स नॉट इज द सेंटर, सेंटर पॉइंट जहां पे ले रहे हो आप, ठीक है? और आर क्या है? रेडियस है। अब रेडियस है तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, इसलिए यहाँ लिखा है वेयर आर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है? तो ये आर ग्रेटर देन जीरो हो गई। तो एस एक्स नॉट आर में इट इज अ स्फीयर विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे? एक्स बिलोंग्स टू एक्स मतलब मीट्रिक स्पेस के वो सारे पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाएंगे जो क्या चीज सेटिस्फाई करेंगे, डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। अब डी एक्स एक्स नॉट तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है हमारे को, और अगर ना मिले हमें तो हम मान के चल रहे हैं अभी यूजुअल मीट्रिक है, यूजुअल मीट्रिक है, तो डी एक्स एक्स नॉट लेस देन आर का क्या मतलब हुआ? मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर, ठीक है? अगर यूजुअल मीट्रिक जो है आपको हमने मान लिया इसको, तो क्या बना? मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। वैसे डी आपने बहुत सारे कर लिए, आइक्लिडियन स्पेस में अलग किया है, सब मैक्सिमम मिनिमम वाला भी, मैक्सिमम वाला भी किया हुआ है, एक सुप्रीमम वाला यूनिफॉर्म मीट्रिक भी किया हुआ है, तो कोई भी हो सकता है मीट्रिक, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिख दिया डी ऑफ एक्स एक्स नॉट लेस देन आर, वेयर आर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स नॉट इज एनी पॉइंट ऑफ द मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस से बाहर तो जाना ही नहीं है, एक्स से बाहर तो जाना ही नहीं है, ठीक है? इसको हम बोलेंगे कि ये जो सेट होगा, इस जो भी ये पॉइंट्स एक्स के ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, वो सब मिलके क्या बना देंगे? ओपन बॉल या ओपन स्फीयर बना देंगे विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर। अब देखो, इस लाइन का मीनिंग ना, इस लाइन का मीनिंग अच्छे से समझने के लिए ना, पहले आप क्या करो, ओपन इंटरवल की डेफिनेशन रिकॉल करो। तो देखो क्या होती है ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होगी बच्चे, ठीक है? देखो देखो बेटा, कोई भी ओपन इंटरवल होता है तो वो किस फॉर्म का होगा? ये पहले आपने एक्स नॉट लिया, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो एक्स नॉट माइनस आर आ जाएगा, उसमें कुछ ऐड करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? एक्स नॉट प्लस आर आएगा। तो ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर से एक्स नॉट प्लस आर तक के अंदर ऑल पॉइंट्स इनसाइड दिस एक्स नॉट माइनस आर टू एक्स नॉट प्लस आर आपके इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है? एक्सेप्ट दीज एंड पॉइंट्स, ये एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर नहीं आएगा, बाकी के सारे पॉइंट जो होंगे इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके। ओपन इंटरवल की डेफिनेशन यही है। तो देखो, एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर का जो ओपन इंटरवल बना है, इसमें कौन से पॉइंट आएंगे? एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब वो सारे पॉइंट रियल लाइन के जो कि क्या डेफिनेशन सेटिस्फाई करेंगे, मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। इसका क्या मीनिंग है ये देखो, मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर क्या होता है? एक्स लाइंग बिटवीन एक्स नॉट माइनस आर टू एक्स नॉट प्लस आर, यही होता है ना मीनिंग। इसका क्या मतलब है? हर वो एक्स जो एक्स नॉट माइनस आर से एक्स नॉट प्लस आर के अंदर है, यानी कि यहाँ पर है। मैं इसको मार्क करके दिखा देती हूँ आपको कहाँ पर है,
यहाँ पे, ये रेड लाइन में, ठीक है। एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स जो आपके एंड पॉइंट्स। क्लियर होगी सब बच्चों को बात, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को मैंने लिखा कि ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर टू ओपन एक्स नॉट प्लस आर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। अब सेम इस डेफिनेशन को मीट्रिक स्पेस में ले जाओ। एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर का ओपन इंटरवल है, इसको तो लिख दो एस एक्स नॉट आर, ठीक है। ये तो लिखा हमने एस एक्स नॉट आर, आर की जगह पे लिखा मीट्रिक स्पेस एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स आ गया। ये देखो डेफिनेशन में। अब आपको पता है कि मैंने कहा है कि जब भी डी को समझना हो, डी को जब भी समझना हो ना, तो इसकी पहले यूजुअल मीट्रिक समझ लिया करो। यूजुअल मीट्रिक क्या होता है? मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट, तो मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट किसके बराबर है? डी एक्स एक्स नॉट के बराबर है, और ये आर एज इट इज। समझ आ गया बच्चों? अब देखो कि ये जो मैंने रियल लाइन के अंदर जो ये रेड कलर की लाइन बनाई, ये बता रहा था ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर से एक्स नॉट प्लस आर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। अगर यही डेफिनेशन को ओपन बॉल में समझना पड़ जाए तो इसका क्या मीनिंग होगा? ये देखो ब्लैक पेन से जो लिखा गया है एक्स नॉट, ये तो हो गया सेंटर, ये आर हो गई रेडियस, ठीक है। अब ये जो बाउंड्री है ना रेड कलर की, इसे छोड़ दो बस। जो ये ब्लू कलर से अंदर सारा शेड हुआ हुआ है ना, ये सारा रीजन ओपन बॉल है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने लिखा ना कि ये डी एक्स एक्स नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर है, लेस देन आर है, आर पूरी रेडियस होती है, तो आर वाला पॉइंट तो ये वाला कवर करेगा जो रेड कलर से बना रखा है। ये पूरा अगर इक्वल टू आर होता ना तो ये रेड कलर वाले पॉइंट्स आ जाते, बट लेस देन आर है तो रेड कलर की बाउंड्री छूट जाएगी, उसके अंदर के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो ओपन इंटरवल में जैसे दो पॉइंट जो होते हैं, इंटरवल ए बी है तो ए बी के बीच के सारे पॉइंट आते हैं, बट ए और बी खुद नहीं आता, तो ऐसे ही ओपन बॉल बोलेंगे तो बॉल के अंदर के सारे पॉइंट आ जाएंगे, बस बॉल की बाउंड्री नहीं आएगी। ये मीनिंग है ओपन स्फीयर का। अब इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे क्लोज्ड वॉल। अगर ओपन समझ आ गया तो क्लोज्ड समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लोज्ड में और ओपन में बस इतना ही डिफरेंस है जितना ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंस है। पहले एक बारी जरा यहाँ देखो जो ये लिखा है टू अंडरस्टैंड में, जो ऊपर ओपन इंटरवल लिया था मैंने एक्स नॉट माइनस आर से एक्स नॉट प्लस आर, आप उसे क्लोज्ड इंटरवल ले लो। अगर आप उसे क्लोज्ड इंटरवल लोगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑल पॉइंट्स बिटवीन एक्स नॉट माइनस आर टू एक्स नॉट प्लस आर इंक्लूडिंग दीज एंड पॉइंट्स। अब इसमें एंड पॉइंट्स भी आ जाएंगे ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है। क्योंकि जब इसको खोलेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर, तो क्या आ जाएगा? एक्स इज लाइंग बिटवीन एक्स नॉट माइनस आर से एक्स नॉट प्लस आर, और यहाँ पे साथ में इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब क्लोज्ड इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, इसलिए इक्वल टू का साइन आ गया। क्लियर? अब सेम इस डेफिनेशन को ले जाओ आप मैट्रिक्स स्पेस में, आर की जगह तो कर दो एक्स, तो मैंने लिखा दिस आर बिकम्स एक्स डी, ठीक है। और ये एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर, इसका क्या मतलब हुआ? वो सारे पॉइंट्स जो आप मतलब इंक्लूडिंग द बाउंड्री, अब स्फीयर के अंदर के पॉइंट्स भी लेने हैं और उसकी बाउंड्री के पॉइंट्स भी लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, तो अब इसका क्या मीनिंग हुआ? डी ऑफ एक्स एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर। तो ओपन बॉल से क्लोज्ड बॉल पे आने पे क्या करना है आपको? इक्वल टू का साइन भी बना देना है। इक्वल टू का साइन बनाने से ज्योमेट्रिकली क्या फर्क पड़ा? कि बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो गए और अंदर के पॉइंट्स भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब देखो मीट्रिक स्पेस में ये क्लोज्ड इंटरवल क्या बन जाएगा? एस एक्स नॉट आर, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। जब बार लगा देते हैं तो इट मीन्स कि हम क्लोज्ड की बात कर रहे हैं। जैसे क्लोज्ड इंटरवल में ये जो ब्रैकेट होती है ये चेंज हो जाती है, जब आप ओपन इंटरवल होते हैं तो यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट लगाते हो, जब क्लोज्ड होता है तो आप इस ब्रैकेट को चेंज करके ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हो। तो ऐसे ही क्लोज्ड बॉल लिखनी हो तो एस को एस बार कर दो। अभी भी एक्स नॉट आपका सेंटर है और आर आपकी रेडियस है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो जरा यहाँ पे डेफिनेशन, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस देन द सेट एस बार एक्स नॉट आर। इसमें अब क्या पॉइंट आएंगे? x बिलोंग्स टू x सच दैट d ऑफ x x नॉट इज लेस देन इक्वल टू r। ऊपर जैसी ही डेफिनेशन है ओपन बॉल वाली, द ओनली थिंग इज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया, बाकी सारा सेम है। तो ये क्या बन गई बच्चों? आपकी क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस r एंड सेंटर x नॉट।
क्लियर हो गई। अब देखो, इन क्लोज्ड बॉल बाउंड्री पॉइंट्स एंड इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द क्लोज्ड बॉल बोथ आर कवर्ड। ठीक है, सारे इंटीरियर पॉइंट्स जो होंगे बॉल के वो भी कवर हो जाते हैं और साथ में बाउंड्री भी कवर हो जाती है, बट ओपन बॉल के अंदर बाउंड्री पॉइंट्स नहीं आते, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं, अंदर के पॉइंट आएंगे। तो आप ये देख सकते हो डेफिनेशन के अंदर ग्राफ में। अब ये ब्लू कलर का सर्कल भी पूरा कवर्ड है और उसके अंदर के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे भी कवर्ड हो गए। अगर यही चीज़ ओपन में लेनी होती तो बाहर की बाउंड्री छूट जाती है आपकी, ठीक है, और एक्स नॉट सेंटर है और आर आपकी रेडियस है। तो बच्चों मीनिंग समझ आ गया कि ओपन इंटरवल जो रियल लाइन में होता था वो अब ओपन बॉल बन गया, जो क्लोज इंटरवल होता था रियल लाइन में वो अब क्लोज बॉल बन गया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो बेटा। इन द यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक स्पेस है तो इसका मतलब डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक है, द ओपन बॉल इज एस एक्स नॉट आर इज गिवन बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। आप सबको पता है यूजुअल मीट्रिक की डेफिनेशन ही यही है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या मीनिंग है इसका, कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही मीनिंग है ना। तो अब यहाँ पे मेरे को इसका एक्स नॉट पॉइंट ले रखा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया। डेफिनेशन थी डी एक्स वाई लेस देन आर, तो अब आ गया मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि आर में ले रहे हो आप यूजुअल मीट्रिक, तो आपको पता है कि मैंने अभी बता के हटी हूँ आपको कि ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक है ना, ओपन बॉल इज या ओपन स्फीयर इज ओपन इंटरवल इन आर, तो ये ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर आ गया। अब इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी पूरी, टू आर, और सेंटर क्या होगा एक्स नॉट, सबको पता चल रहा है। ये देखो, ये एक्स नॉट, यहाँ एक्स नॉट माइनस आर, यहाँ पे एक्स नॉट प्लस आर, तो इतनी लेंथ भी आर है और इतनी लेंथ भी आर है आपकी, तो टू आर लेंथ हो गई। समझ आ गई आपको, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई, टू आर आ गई, और सेंटर कितना आ गया एक्स नॉट। तो कन्वर्सली अब इसका उल्टा देखो, अगर मैं कोई ओपन बाउंडेड इंटरवल ले लूँ, बेटा ओपन बाउंडेड इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें रेज नहीं आती है, मतलब इन्फिनिटी नहीं है किसी भी साइड पे, ये ए कॉमा बी टाइप है वेयर ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल किस फॉर्म का होगा, ए कॉमा बी, ओपन है इसका मतलब ए से बी के सारे एलिमेंट्स हैं बट ए और बी खुद नहीं है। ठीक है, रियल लाइन पे, तो इसको जब ओपन बॉल बनाएंगे तो सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। आप देखो ए ये रहा और बी ये रहा, सेंटर कैसे निकलेगा, सेंटर इनका मिडल पॉइंट होगा, ए और बी का सेंटर क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, तो सेंटर बन गया ए प्लस बी बाई टू। रेडियस कितनी होगी इसके अंदर, देखो ये टोटल लेंथ कितनी होगी ए से लेके बी तक की, बी माइनस ए, तो रेडियस बनानी है आधी करनी है तो बी माइनस ए बाई टू और बी माइनस ए बाई टू। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो हमें पता चला कि अगर मैं कोई भी नॉर्मल ये ओपन बाउंडेड इंटरवल ए बी लूंगी रियल लाइन के अंदर, तो जब ओपन बॉल बनेगी, ओपन बॉल बनेगी तो उसका जो सेंटर बनेगा उसका सेंटर आएगा ए प्लस बी बाई टू और रेडियस आ जाएगी बी माइनस ए बाई टू। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई। तो ओपन बॉल्स ऑफ आर प्रिसाइजली दी ओपन बाउंडेड इंटरवल, मैंने तो सिखाया ही आपको इंटरवल से बॉल का है तो इसने वही चीज लिख कर दी है। क्लोज बॉल्स ऑफ आर क्लोज बाउंडेड इंटरवल्स ऑफ आर। ठीक है बच्चों, हो गया, समझ में आ गया। तो सबसे आसान मीट्रिक तो हमारा यूजुअल मीट्रिक ही होता है, इसलिए हर चीज़ पहले यूजुअल पे ही सीखते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं हम यूक्लिडियन मीट्रिक्स पे। तो आप देखो, अब हमने ले लिया डी इज द यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सबको पता है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद आर। इसके सारे एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, आर स्क्वायर के सारे एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स वन वाई वन, वेयर एक्स वन बिलोंग्स टू आर, y1 also belongs to R। तो मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया x equal to x1 y1 और दूसरा ले लिया y equal to x2 y2। तो dxy क्या बनेगा, हमारा मीट्रिक जो बनेगा यूक्लिडियन मीट्रिक क्या होगा, यही होता है यूक्लिडियन मीट्रिक, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, it's under root। बेटा स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पे मॉड नहीं आया, अगर ये स्क्वायर नहीं होता था तो मॉड आता था यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये तो यूक्लिडियन मीट्रिक इन आर स्क्वायर की डेफिनेशन है, ये तो सबको याद होगी, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत किया है ये सारा काम। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर डी के अंदर अब ओपन बॉल की क्या डेफिनेशन होगी अगर डी एक्स वाई ये बन जाए। तो देखो ओपन बॉल के लिए सिंबल क्या है, एस एक्स नॉट आर, वेयर एक्स नॉट इज द सेंटर, आर इज द रेडियस। अब ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आंसर कि इट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस आर, बट ये कैसे आया है ये मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, देखो एस एक्स नॉट आर है जो डेफिनेशन है ना बेटा, उसको पहले सामने लिख लिया करो और फिर उसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस किया करो, आपको अपने आप आ जाएगी टॉपोलॉजी समझ में। देखो हमारे पास क्या था यहाँ पे एस एक्स नॉट आर,
एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो स्मॉल एक्स क्या होगा आपकी बारी, एक्स वन एक्स टू होगा। क्यों होगा एक्स वन एक्स टू, क्योंकि ये आर स्क्वायर के हमारा स्पेस है, आर स्क्वायर के अंदर हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म का होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आ गया। फिर डेफिनेशन क्या करी थी, डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर, तो हमने वही लिखा डी ऑफ एक्स एक्स नॉट लेस देन आर। अब देखो डी ऑफ एक्स एक्स नॉट की डेफिनेशन क्या होगी, इधर देखो जरा, ये है ना मेरा डी एक्स वाई इक्वल टू दिस, इसमें वाई की जगह एक्स नॉट डाल दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट क्या है मेरा ए बी, ठीक है ना, वाई की जगह पे एक्स नॉट डालो, वाई क्या है ए बी, तो यानी कि यहाँ पे वाई की जगह पे ए कॉमा बी आ गया, तो एक्स टू की जगह ए आ जाएगा और वाई टू की जगह पे बी आ जाएगा। सब बच्चों को समझ आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं करके दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे देखो दोबारा से, हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर इट्स अंडर रूट, और ये एक्स क्या चीज है, एक्स वन कॉमा एक्स टू, और वाई क्या चीज है, वाई एक्स वन वाई वन होगा, है ना, और ये एक्स टू, देखते हैं पीछे क्या दिया हुआ है, एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू, यही है ना। तो मेरी डेफिनेशन ये बन गई, डी ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। अब मुझे निकालना है डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, एक्स मेरा क्या है ले रखा मैंने, यहाँ पे देखना तो मुझे एक्स मैंने ले रखा है एक्स वन एक्स टू, ये देखो यहाँ ले रखा है एक्स वन एक्स टू, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स वन कॉमा एक्स टू डी ऑफ, और एक्स नॉट मैंने ले रखा है बेटा ए बी, तो ये क्या बन जाएगा देखो, अब इसके अंदर ये देखो ये दोनों माइनस हो रहे थे ना एक्स वन माइनस एक्स टू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में से माइनस और वाई कोऑर्डिनेट वाई में से, तो करो इधर भी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन में से माइनस कर दो और वाई कोऑर्डिनेट वाई टू में से माइनस कर दो, तो एक्स टू माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों क्या आया, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया एक्स वन माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट भी लेना था, मैंने अंडर रूट नहीं लिया, वो भी ले लेना, ठीक है। ये आ गया दिस इज लेस देन आर आ गया, तो अब इसको जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वन माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो जरा, ये किसकी इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए बी एंड रेडियस आर, तो इसका मतलब कि ओपन बॉल इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए बी एंड रेडियस आर, अगर हमने यूक्लिडियन मीट्रिक ले रखा है तो, ठीक है। देखो यूजुअल मीट्रिक लिया था तो ओपन स्फीयर एक तरीके से वो निकल कर आया था आपका ओपन इंटरवल इन आर, ये देखो निकला था ना यहाँ पे, देखो ओपन बॉल्स आर ओपन बाउंडेड इंटरवल्स इन आर, जब आर में ले रहे थे मीट्रिक स्पेस को हमने आर ले लिया था और मीट्रिक को यूजुअल मीट्रिक लिया था तो ओपन बॉल बन गई थी ओपन इंटरवल, और जब हम यूक्लिडियन मीट्रिक में आए मतलब आर से आर स्क्वायर में आए और ये हमने यूक्लिडियन मीट्रिक डिफाइन किया अपना, तो हमारी ओपन स्फीयर की क्या डेफिनेशन बन गई, ये ओपन बॉल हमारे क्या बन गया, इट इज ये इट इज द सर्कल विद सेंटर ए बी एंड रेडियस आर, और क्योंकि ओपन है तो इंटीरियर पॉइंट, यही चीज अगर क्लोज्ड होती तो पूरा पूरा अंदर का पोर्शन भी कवर हो जाता सर्कल का और बाउंड्री भी कवर हो जाती, ठीक है बेटे समझ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कंसिडर द मीट्रिक स्पेस सी ए बी, अब रिकॉल कीजिए वॉट इज सी ए बी, मैंने लिखा भी हुआ है साइड में, सी स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कोई इंटरवल जरूर होगा, तो इट इज कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, तो डोमेन क्या है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो द स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी आ गया। इस पे मीट्रिक हमने कौन सा डिफाइन किया, यूनिफॉर्म मीट्रिक, यूनिफॉर्म मीट्रिक्स कौन सा होता है, डी ऑफ एफ जी सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये मेरा यूनिफॉर्म मीट्रिक की डेफिनेशन है, ये आप पहले वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। लेट एफ नॉट बिलोंगिंग टू सी ए बी एंड आर ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आपको पता है ना मुझे ओपन बॉल डिफाइन करनी है तो सेंटर भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए, तो मैं सेंटर बना रही हूँ एफ नॉट को और रेडियस बना रही हूँ आर को, देखो आर तो डिस्टेंस है कोई भी, ठीक है ना, तो आर तो रेडियस है तो कोई भी एक नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आर तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। अब आपको सेंटर देखना है, सेंटर कहाँ से आता है, सेंटर मीट्रिक स्पेस से ही आता है, तो जो सी ए बी मेरा मीट्रिक स्पेस है ना सेंटर इसी का कोई एलिमेंट है, तो सी ए बी का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का है, कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी, तो एफ नॉट कोई एक फंक्शन होगा आपकी बार, कोई पॉइंट नहीं होगा बेटा,
ठीक है, क्योंकि सी ए बी का स्पेस है, सी ए बी में हमारे सारे कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो अब की बारी जो सेंटर बनेगा वो भी कोई कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ही बनेगा। तो दिस एफ नॉट इज अ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी। अब हमें डिफाइन करनी है कि ओपन बॉल क्या होगी। देखो मैंने पहले ओपन बॉल जब भी बनानी है तो पहले सेंटर और रेडियस लेना है। मैंने सेंटर लिया एफ नॉट और रेडियस ले ली आर, तो ये एस एफ नॉट आर। अब इसको बना के देखते हैं कि ये क्या बनेगा। मैंने वैसे पहले बता दूं आंसर क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी हुज ग्राफ लाइज विद इन द बैंड ऑफ वर्टिकल विड्थ 2r। इसका क्या मीनिंग है ये सुन ले ध्यान से। देखो जैसे आपने ओपन इंटरवल बनाया बेटा, देखो इधर पहले ओपन इंटरवल पे दोबारा आ जाओ। जब हमने एस एक्स नॉट आर को ये बोला था कि ये एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर का ओपन इंटरवल है रियल लाइन में यूजुअल मेट्रिक के साथ, हमने कैसे बनाया था, पहले हमेशा सेंटर मार्क किया, फिर रेडियस मार्क करी, रेडियस है तो आर इधर गए, आर डिस्टेंस इधर गए तो एक्स नॉट माइनस आर और इधर आ गए एक्स नॉट प्लस आर, और फिर ये जो डिस्टेंस था हमारा ये पूरा, ठीक है ना, ये हमारा क्या बना रहा था, एस एक्स नॉट आर बना रहा था, ठीक है ना। तो मतलब पहले सेंटर मार्क किया फिर रेडियस मार्क करी। अब भी यही काम करना है आपको, इंटरवल ए बी ले लिया क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइन है फंक्शन, क्या है सेंटर मेरा एफ नॉट, तो एफ नॉट क्या है, कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है इंटरवल ए बी के अंदर। कॉन्टिन्यूटी का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है कि कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो मेरा ये था ना पूरा इंटरवल ए बी, इतने हिस्से में डिफाइन है ना फंक्शन, तो मैंने सपोज इसको मान लिया एफ नॉट कॉन्टिन्यूस है, इसलिए कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, कोई भी ग्राफ मतलब शेप हो सकती है, मैंने ये शेप ले ली, तो ये एफ नॉट इस समय तो है सेंटर। अब रेडियस, रेडियस क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर चले आर डिस्टेंस और थोड़ा सा नीचे चले, मैं सपोज आर डिस्टेंस ऊपर चली और आर डिस्टेंस में नीचे चली, ये मेरी रेडियस बन गई। रेडियस बनी तो यहाँ से यहाँ तक में ये जो पोर्शन बना, ये जो पूरा वर्टिकल बैंड बन गया, ये देखो ये सारा वर्टिकल बैंड, समझ रहे हो, ये जितना भी वर्टिकल बैंड बना, क्लियर, ये इस बैंड के अंदर जितने पॉइंट फंक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे आपके सी ए बी के, मतलब जितने कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाएंगे वो सारे के सारे मेरी ओपन बॉल बनाएंगे, ठीक है। ओपन बॉल डजेंट मीन कि इट इज ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे एक फंक्शन होगा, यहाँ कोई फंक्शन होगा, यहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये जितने भी फंक्शन यहाँ पर इतने हिस्से के अंदर आ जाएंगे, ये जो बैंड बन गया आपका, इसमें जितने फंक्शंस कवर हो जाएंगे सी ए बी के एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर से जितने फंक्शंस कवर हो जाएंगे वो सारे मेरे ओपन बॉल विद सेंटर एफ नॉट एंड रेडियस आर में आएंगे। अभी सी ए बी के पास तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है फंक्शन, बट ये वाले पॉइंट कवर नहीं होंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि मुझे ओपन बॉल सेंटर एफ नॉट और रेडियस आर की बनानी है, तो जो बैंड के अंदर कवर होंगे ना वो आएंगे आपके एस एफ नॉट आर के अंदर, क्लियर हो रही है, बाहर के सारे पॉइंट छूट जाएंगे। अब दूसरी बात ये आ रही है कि ये जो बैंड बना है इसकी विड्थ कितनी होगी, तो आप देखो आर डिस्टेंस ऊपर गए थे, आर डिस्टेंस नीचे गए थे, तो टोटल विड्थ कितनी हो गई, 2r हो गई, क्लियर है। तो आप देखो जरा मैंने यहाँ पे क्या लिख के दिखाया, ये देखो ये एफ नॉट जो है ये तो सेंटर है, जो ब्लू लाइन से बनाया ये सेंटर, आर रेडियस ऊपर गए आर रेडियस नीचे गए, तो ऊपर वाला बन गया एफ नॉट प्लस आर और नीचे बन गया एफ नॉट माइनस आर, तो टोटल विड्थ ऑफ दिस बैंड इज 2r, ठीक है ना। तो इस विड्थ के अंदर जितने कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन आएंगे ऑन द इंटरवल ए बी दे ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ एस एफ नॉट आर, वो बनाएंगे ओपन बॉल, इसके बाहर के सारे पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा जब मैं बोलती हूँ ओपन इंटरवल 1 2, तो 1 से 2 के बीच के ही पॉइंट्स आते हैं, आगे से 2 के बाद वाले या 1 से पहले वाले थोड़े ना पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर भी है, क्लियर हो गया बच्चों। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स कराए अलग अलग ओपन बॉल के, ठीक है। अगर इन्हीं सब में बेटा क्लोज्ड बॉल वर्ड यूज कर दिया जाए तो बस इतना डिफरेंस आ जाएगा कि बाउंड्री पॉइंट भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी के अंदर क्लोज्ड बॉल बनानी होती तो ये जो बाउंड्री है ना रेड कलर की एफ नॉट प्लस आर, ये भी इंक्लूड हो जाएगा फंक्शन, और नीचे से एफ नॉट माइनस आर वाला जो है ना ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जब तक मैं ओपन बोल रही हूँ तो इसके अंदर के पॉइंट्स हैं, बस ये जो बाहर की बाउंड्रीज हैं ये खुद नहीं इंक्लूड है, क्लोज्ड बॉल बोलते ये खुद भी फंक्शन से इंक्लूड हो जाएंगे एफ नॉट माइनस आर और एफ नॉट प्लस आर, ठीक है बच्चों, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो ओपन और क्लोज्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कोई सी भी एक चीज़ समझ ली तो दूसरी अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है बच्चों।
तो आज की क्लास में बेटा ये जितना पढ़ाया अच्छे से सारी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को अच्छे से लर्न कर लेना। कल आपको सिखाऊंगी कि नेबरहुड और ओपन सेट किसको कहते हैं और उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स सिखाऊंगी आपको। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।